सो वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर टुडे। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो ये चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो बेसिकली इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, ऑफ कोर्स एक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और दूसरा है रेडिएशन। पार्ट वन में हमारा कंप्लीट फोकस है ओनली ऑन गैसेस, वेयर वी विल स्टडी डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू गैसेस, राइट। और जो पार्ट टू है रेडिएशन का पार्ट, ये आपका 11th का कंटिन्यूएशन में आता है। 11th में अगर आपको याद होगा, 11th में हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम का चैप्टर देखा था, चैप्टर नंबर 7 एज पर योर स्टेडवर्ड। उसमें हमने, इफ यू रिमेंबर, देर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, 3 मोड्स है ट्रांसफर ऑफ हीट के। एक को बोलते हो कंडक्शन, एक को बोलते हो कन्वेक्शन और एक को बोलते हो रेडिएशन। कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स, क्योंकि अगर आपको याद होगा, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, देन वी विल स्टार्ट विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सिर्फ पता होना चाहिए जस्ट टू कनेक्ट कि हमने 11 में जहाँ पे ख़त्म किया था, अब उसके आगे स्टार्ट करना है रेडिएशन पार्ट में। तो अगर आपको याद होगा, कंडक्टर्स में हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होता है थ्रू कोलिजन्स। मतलब बेसिकली होता ऐसा है कि अगर मैं रॉड लेता हूँ, रॉड इज अ मेटल, और मैं उसका एक एंड हीट करता हूँ, तुमने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा, गैस पे तुमने कुछ बर्तन रख दिया और उसके हैंडल को अगर इंसुलेटर लगाया नहीं होगा और तुमने डायरेक्ट हैंडल पकड़ लिया तो गर्म लगता है, पर हमने वहाँ तो हीट सप्लाई नहीं किया, हमने तो दूसरे एंड पे किया था। तो इस केस में क्या होता है कि आप एक एंड को हीट कर रहे हो, तो जिस एंड पे आप हीट कर रहे हो वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स थे, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। पहले वो स्लो वाइब्रेट हो रहे थे और विथ लेस एम्पलीट्यूड, अब उनके पास एनर्जी आ गया, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। तो ऐसा इस प्रोसेस में दे कोलाइड विद देयर नियरिंग, मतलब नियरेस्ट नेबर्स, कोलिजन में दे ट्रांसफर देयर हीट। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को हीट ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा तीसरे को हीट ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा करते करते एक एंड से दूसरे एंड तक हीट का फ्लो होना, इसको बोलते हैं कंडक्शन, राइट। कंडक्शन में देयर इज नो एक्चुअल बॉडीली मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब खुद एक मॉलिक्यूल हीट लेके नहीं गया, उसने ट्रांसफर किया, हीट को ट्रांसफर किया थ्रू कोलिजन्स। और जब तुम घर में दूध गर्म करते हो, पानी गर्म करते हो, जो भी लिक्विड गर्म करते हो, उसमें क्या होता है, उसमें जो सबसे नीचे का जो लिक्विड होता है वो सबसे पहले हीटअप होता है और वो ऊपर जाता है, खुद ऊपर जाता है हीट लेके, खुद ऊपर जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कन्वेक्शन, वेयर अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ टेक्स हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वहाँ पे एक्चुअल बॉडीली मूवमेंट होता है। इसमें और उसमें दोनों में मीडियम का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इमेजिन अगर मैंने यहाँ पे इस मेटल को कट कर दिया होता तो हीट जाता क्या? नहीं, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस मीडियम। यहाँ पे भी क्या लगता है? मीडियम। और तीसरा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है रेडिएशन। रेडिएशन में हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट एनी मीडियम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे सन से अर्थ तक हीट आया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो वो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट बनेगा। जैसे मैंने बताया कि हम लोग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, और ये चैप्टर मैं बहुत बेसिक से बिल्ड करवाता हूँ, क्योंकि इसका अगला चैप्टर थर्मोडायनामिक्स, अगर ये नहीं पता है तो वो चैप्टर तुम्हारा गया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू स्टार्ट ऑफ विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सबसे पहले आई विल सी इफ यू रिमेंबर गैस लॉस। सो देयर आर बेसिक गैस लॉस, 3-4 लॉ है। तो सबसे पहला लॉ जो हमने 11 में भी सीखा था, दैट इज बॉयल्स। अब इसका भी थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए कि ये गैस लॉ करते क्या है। देखो, अगेन देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक्चुअली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन। बोस आइंस्टाइन तो हम लोग आर्टिफिशियली लैब में ही बनाते हैं। प्लाज्मा वेरी हाई टेम्परेचर पे ही होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, मतलब
नॉट वेरी हाई टेम्परेचर, नॉट वेरी लो टेम्परेचर, नॉट वेरी हाई प्रेशर, नॉट वेरी लो प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में तीन स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। 11 में तुम मोस्टली सॉलिड की बात कर रहे थे, कोई भी चैप्टर उठा के देखो 11 का आपके स्टेट बोर्ड का, आपको सॉलिड्स ही दिखेंगे वहाँ पे। तो बचे कौन? लिक्विड्स एंड गैसेस। और अब चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हमने मैक्सिमम लिक्विड का स्टडी किया है, तो बच कौन गया? आप गैस। तो जब आप गैस का स्टडी करते हो, अभी गैस का प्रॉब्लम क्या है? देखो द थिंग इज ना, अगर आपको सॉलिड का स्टडी करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सॉलिड, देर आर मेनी वेज इन विच यू कैन स्टडी अ सॉलिड, मेनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं। कैसे तरीके हैं? मैं सॉलिड पे फोर्स लगा सकता हूँ और सॉलिड उस फोर्स को कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें तुमने फोर्स लगाया, बॉडी का शेप चेंज हो गया, छोड़ दिया, बॉडी रिगेन्स इट्स शेप अगेन। ऐसे मटेरियल को बोलते हो इलास्टिक। क्या बोलते हैं? इलास्टिक। देयर आर सम मटेरियल्स इन विच जब तुमने उस पर फोर्स लगाया और तुमने फोर्स निकालने के बाद भी उसका शेप साइज वापस से पहले जैसा होता ही नहीं, उसको बोलते हैं प्लास्टिक। तो सॉलिड का स्टडी करना है तो तुम फोर्स लगा के देख लो। दूसरा, सॉलिड का स्टडी करना है करंट पास करके देख लो, करंट पास हो गया तो गुड कंडक्टर, नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर। और तीसरा तरीका भी है, तुम टेम्परेचर चेंज करके देख लो, वो भी हमने देखा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। तो सॉलिड का स्टडी करना है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी कर सकते हो, थर्मल प्रॉपर्टी भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल भी कर सकते हो। प्रॉब्लम विद गैस इज गैस में मैं फोर्स लगा ही नहीं सकता डायरेक्टली, हमारे सराउंडिंग में क्या है? गैस है। पकड़ के बताओ नहीं आएगा ना, तो फोर्स कैसे लगेगा? तो गैस का स्टडी करना है तो गैस का स्टडी करने के लिए तीन पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, केमिस्ट्री में चार है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। एंट्रोपी आपको फिजिक्स में कहीं नहीं आने वाला है तो हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो गैस का स्टडी करना है तो तीन पैरामीटर का स्टडी करना है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो तीनों में से एक को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब एक की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, दूसरे को चेंज करेंगे और तीसरे में क्या चेंज हो रहा है वो देखेंगे। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को चेंज करेंगे और तीसरे में क्या चेंज हो रहा है ये नोटिस करेंगे। तो टोटल तीन लॉ बनते हैं और एक एक्स्ट्रा लॉ है, पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, आप प्रेशर बढ़ा के देखते हो, आप चेक करते हो वॉल्यूम का क्या हुआ, तो जब प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो गया, उसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो कैसे लिखेंगे? फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस। अब ये गिवन मास ऑफ गैस क्या होता है? फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस बताता हूँ मैं। एक बार तुमने एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गैस ले लिया, अब तुम उस क्वांटिटी को चेंज नहीं करने वाले हो। तो फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, प्रेशर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रोवाइडेड, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, प्रोवाइडेड। क्या प्रोवाइडेड? प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। मतलब तुमने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा, उस केस में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा आ रहा है? इनवर्स। तो देयरफॉर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बराबर। इसको मैं समझ सकता हूँ कि आप प्रेशर इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। अच्छा, ये कॉन्स्टेंट के थोड़ा संभल के, क्योंकि यहाँ पे के का और एक मतलब होता है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, इसलिए मैं कुछ और यूज करता हूँ सी, तो सी बाई वी, सम कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, है ना? जैसे हमने देखा था, कहाँ देखा था? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ए इन टू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या मतलब था? ए वन बी वन इक्वल टू ए टू बी टू इक्वल टू ए थ्री बी थ्री। तो यहाँ पे पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या मतलब होगा? पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू इक्वल्स टू पी थ्री वी थ्री इक्वल्स टू पी फोर वी फोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर, पक्का। तो व्हाट इज बॉयल्स लॉ? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, वेरी गुड। दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ,
चार्ल्स लॉ, सिंपल है ये भी। चार्ल्स लॉ टेल्स यू दैट, चार्ल्स लॉ टेल्स यू दैट, याद रखना। पता है क्या है चार्ल्स लॉ, पता है क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट मतलब टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन। सो फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट मतलब टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रोवाइडेड क्या कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, प्रोवाइडेड वॉट इज कैप्ट कॉन्स्टेंट, प्रेशर। प्रोवाइडेड प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। ओके, ये आ गया चार्ल्स लॉ। देयरफॉर यू हैव वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी एट कॉन्स्टेंट पी। वैसे साथ में तुमको अभी इसको फिजिकली भी इमेजिन करना है कि हो क्या रहा है। अगर मैं टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखता हूँ, प्रेशर बढ़ाता तो वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि रिलेशन क्या है, इनवर्स है। प्रेशर कम करता हूँ तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके गुड, अभी ये थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक्स बन रहा है। तुमको ये अगर समझा अच्छे से तो ही वहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स समझा, क्योंकि वो मोस्टली थ्योरी है। तो टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट है, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम कम हो रहा है। ओके, यहाँ पे चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मतलब क्या है इसका? इफ आई इंक्रीज वॉल्यूम टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस। तो देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट है सी इंटू टी, मतलब क्या हो गया वी बाई टी इक्वल्स टू अ कॉन्स्टेंट, मतलब क्या हो गया वी वन बाई टी वन इक्वल्स टू वी टू बाई टी टू इक्वल्स टू वी थ्री बाई टी थ्री एंड सो ऑन। बराबर, पक्का। तीसरा लॉ है, क्यों था लॉ है तीसरा, गेलुजैक्स लॉ। तो तीसरा जो लॉ है उसको बोलते हो गेलुजैक्स लॉ, गेलुजैक्स लॉ। फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोवाइडेड वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट। तो फॉर अ गिवन, ये हर जगह पे फॉर अ गिवन, गिवन मतलब क्या कि मास तुम गैस का चेंज नहीं कर सकते हो। तुमने एक बार फिक्स अमाउंट ऑफ गैस ले लिया, क्योंकि देखो लॉजिकली सोचो ना, अगर मैंने सपोज मैं गैस ऐड करता गया तो वॉल्यूम तो बढ़ने ही वाला है ना, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं? अब तुम लोग क्या 40 हो, छोटा क्लास में चल जाता था, 100 भरने हैं, क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, तो फॉर अ गिवन मास मतलब यू हैव केप्ट, इन दिस केस, इन दिस केस फॉर अ गिवन मास तुमने मास कॉन्स्टेंट रखा है। अभी यहाँ पे भी कंफ्यूज होता है, अभी तो तुमने बोला कि वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, अरे मास और वॉल्यूम अलग अलग चीज़ है। मेरे पास एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, ये लगभग 100 ml होगा, रफली रफली 100 ml, बराबर 100 ml का कुछ मास होगा, चलो तो मान लेते 200 ग्राम। बॉटल कितना है 500 ml, तो वॉल्यूम टोटल कितना है 500, लेकिन मास कितना है 200। अभी इसको मैं इस बॉटल में डाल देता हूँ, इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, लेकिन मास कितना जाएगा जितना वही। तो मास सेम होना डज नॉट मीन कि वॉल्यूम भी सेम होना। जब मैं बोल रहा हूँ फॉर अ गिवन मास, मतलब हम लोग इस प्रोसेस में मास क्या रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम में बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर बोला ही है, तो याद रखना। तो फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, गेलुजैक्स लॉ में कौन कॉन्स्टेंट था, वॉल्यूम। तो कौन चेंज करोगे, प्रेशर। तो क्या चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रोवाइडेड व्हाट इज कॉन्स्टेंट,
हाँ वॉल्यूम, प्रोवाइडेड वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट, इज केप्ट कॉन्स्टेंट, मतलब प्रेशर पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी व्हेन वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब पी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू टी, इसका मतलब प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब पी वन बाई टी वन इक्वल्स टू पी टू बाई टी टू इक्वल्स टू पी थ्री बाई टी थ्री एंड सो ऑन। बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, हो गया यहाँ तक क्लियर, गुड, आगे बढ़े। ये तीन लॉ हो गए, तो ये तीन लॉ का मैं थोड़ा सा समरी कर देता हूँ, समराइज कर दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, याद रहेगा बेटर ऑफ। तो ऐसा करते हैं, इधर लिख लेते हैं कौन सा लॉ, इधर लिख लेते हैं कि क्या कॉन्स्टेंट और क्या रिलेशन बना। तो लॉ, उसके बाद कॉन्स्टेंट क्वांटिटी और लास्टली रिलेशन, रिलेशन एक एक करके, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिलुजैक्स लॉ, और एक लॉ भी है बताता हूं मैं, बॉयल्स चार्ल्स एंड गिलुजैक्स। What is constant in Boyle's law? Temperature. What is the relation? Pressure is inversely proportional to volume. Charles law में क्या constant था? पक्का pressure. Very good. Volume is proportional to temperature. Gay-Lussac law में volume. Pressure is proportional to temperature. सही है. Good. Clear यहाँ तक? अभी ये याद रखना. और एक चौथा law है, which is Avogadro's law. वो तो मैंने तुमको अभी बता दिया, मैंने बता दिया आपको फोर्थ नंबर लॉ, मैंने अभी बोला तुमको कि तुम जब 40 हो तो वॉल्यूम कम लगता है, राइट। अगर मैंने और स्टूडेंट भरना चालू कर दिया इस बैच में तो वॉल्यूम ज़्यादा लगेगा, लगेगा ना, वही एवोगैड्रोस लॉ है। यू नो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस? मेरे को फॉर्मूला फॉर्मूला में इंटरेस्ट फिलहाल नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल बताओ मेरे को। मोलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, मतलब मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आई नो फॉर्मूला का नहीं बात कर रहा मैं। व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट? MKS में, मतलब पता है ना MKS सिस्टम, CGS में और FPS में कितने फंडामेंटल होते हैं? तीन। कौन से तीन? लेंथ, मास, टाइम। SI में कितने होते हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बराबर, अभी मैं बहुत बेसिक में जा रहा हूँ, एक्चुअली वो जाना नहीं चाहिए था लेकिन जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर फ्रॉम योर साइड। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वापस यही, ये बॉटल है, कंटेनर है, बराबर, इस कंटेनर को मैंने आधा भरा और इसी को मैंने फुल भरा, तो व्हाट डू यू थिंक मास किसमें ज्यादा होगा? फुल, मतलब जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है तो मास भी, और जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम है तो मास भी। तो जब मुझे मास से इंफॉर्मेशन मिल ही रही है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो मैं वापस से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फंडामेंटल ले क्यों रहा हूं? तुमने बोला ना लेंथ, मास, मास, लेंथ, मास, तुमने दूसरा ही बोला मेरे को मास, तो मास भी फंडामेंटल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी फंडामेंटल। तो जब तुम ही बोल रहे हो मास ज्यादा मतलब अमाउंट ज्यादा, अमाउंट ज्यादा मतलब मास ज्यादा, अब फिर दो दो चीजें क्यों चाहिए तुमको? दो फिजिकल पैरामीटर एक ही चीज बताने के लिए क्यों चाहिए? क्वेश्चन समझ में आया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मुझे मास से भी तो समझेगा ना, मेरे पास दो डब्बे है, एक में आधा किलो चीनी है, एक में एक किलो चीनी है, किस में अमाउंट ज्यादा है? एक किलो में। तो मास ने बता दिया ना तुमको कि कहाँ पे अमाउंट ज्यादा है, तो वापस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्यों जरूरत पड़ गई? मैं एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ ये ऐसा ही एग्जाम्पल है याद रखने के लिए, इसका हमारे
आज के लेक्चर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इट इज जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर थिंग्स। ऐसा है, तुम मार्केट में गए नमक लाने, तुमने बोला कि 1 किलो नमक दे दो, किराना वाले ने दे दिया निकाल के, तुमने बोला आधा किलो दे दिया, दे दिया, तुमने बोला मेरे को 250 ग्राम ही चाहिए, तो बोला यार पता नहीं 250 ग्राम मांग रहे, ठीक है दे देता हूँ, मेजर तो करना है उनको, तुम वैसे नॉर्मली आधा किलो का पैकेट आता है ना, तो वो दे दिया तुमको, तुमने बोला नहीं 100 ग्राम ही चाहिए, वो फिर भी दे दिया, वो सोचा होगा कि कुछ छोटा मोटा काम के लिए चाहिए होगा इसको, तुम जाके बोले कि मेरे को 10 पार्टिकल ऑफ सॉल्ट चाहिए, मुझे कहा भाग यहाँ से। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि जब तुम ऐसा छोटे छोटे चीज़ों की बात करते हो ना, अब 10 पहली बात तो 10 पार्टिकल ऑफ सॉल्ट इसका मास मेजर होगा ही नहीं, प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता, इतना कम क्वांटिटी है कि मास मेजर हो ही नहीं सकता है। तो जहाँ पे तुम डायरेक्टली मास मेजर नहीं कर सकते हो, वहाँ पे तुम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज करते हो। अब सॉलिड्स में क्या होता है कि सॉलिड में मैंने सॉलिड उठाया, ये सॉलिड है, उठाया एक वेइंग मशीन पर रख दिया, पता लग गया मास कितना है। अब गैस के केस में क्या करोगे, गैस को उठा के रखोगे, नहीं रख सकते ना, तो हम लोग गैस के केस में मास मेजर कर ही नहीं सकते, तो वहाँ क्या मेजर करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसलिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो डिफाइन कैसे किया, अ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इज नोन एज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, हमको नहीं पता एटम है कि मॉलिक्यूल है, तो जनरल डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, पार्टिकल। तो व्हाट इज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, 6.022 × 10⁐, बराबर, पक्का, श्योर। So what is 1 mole of substance? A substance which contains Avogadro number of particles is known as 1 mole of substance. अभी चेक करने के लिए कि तुमको कितना समझा है, सब चेक करना है मेरे को। मेरे पास ए बॉक्स है, मेरे पास बी बॉक्स है। ए बॉक्स में मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन मतलब H2 होता है, सिंगल हाइड्रोजन नहीं होता है, वो मॉलिकुलर होता है, H2 होता है। और बी बॉक्स में मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी O2 होता है। मेरे पास ए बॉक्स में 1 mole ऑफ हाइड्रोजन है और मेरे पास बी बॉक्स में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। ए में कौन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, बी में कौन है, अच्छा तो दोनों में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सेम है क्या, यस, मास सेम है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन होता है और हाइड्रोजन गैस जब बोलोगे तो H2 बन गया, तो 2 प्रोटॉन हो गए, तो 1 मॉलिक्यूल के पास सिर्फ 2 प्रोटॉन का मास है, राइट। और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, राइट। तो एक ऑक्सीजन एटम के पास 16 मास ऑफ प्रोटॉन है और एक मॉलिक्यूल के पास O2 है, वो भी O2, तो एक मॉलिक्यूल के पास 32 मास ऑफ प्रोटॉन्स है, यहाँ पे कितना है, 2। क्वांटिटी भले सेम था लेकिन मास सेम नहीं था, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का सेम होना डज नॉट मीन दैट द मास इज आल्सो सेम, वेरी गुड। अब आते हैं एवोगैड्रो लॉ पे, एवोगैड्रोस लॉ है भाई, गैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। अभी एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है, बहुत नॉर्मल चीज है, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहा हूं तो मुझे वॉल्यूम भी ज्यादा लगेगा, डन। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये है एवोगैड्रो लॉ, डन, खत्म, बराबर। तो इन चारों इक्वेशंस को, लॉस को तुमने अगर कंबाइन कर दिया तो बन जाता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन, क्या बन जाता है, आइडियल, जिसको तुम परफेक्ट गैस इक्वेशन भी बोलते हो, क्या बोला है आपके इसमें नोट्स में, क्या लिखा है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगर मैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिलोजैक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को कंबाइन कर दूं, तो आई विल गेट आइडियल गैस इक्वेशन। बता दो कैसे, पी देखो, पी इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, V इज प्रोपोर्शनल टू T, P इज प्रोपोर्शनल टू T, मैं कंबाइन कर लेता हूँ,
तो पीवी इज प्रोपोर्शनल टू एनटी ऐसा लिख देता हूँ। आप बोलोगे सब लॉ कंबाइन कैसे हो गए, मैं बताता हूँ तुमको। सबसे पहले मैंने बोला फॉर अ गिवन मास, गिवन मास लिखा कि नहीं आ जरा पे, गिवन मास क्या लिखा मैंने, गिवन मास मतलब मास कांस्टेंट, और मास कांस्टेंट तब होगा जब जब मोल्स कांस्टेंट होंगे। जो जो कांस्टेंट है उसको इक्वेशन से हटाते जाओ। पहला लॉ में कांस्टेंट कौन था, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हटा दिया, और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, कांस्टेंट, तो हटा दिया। मतलब बेसिकली कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट, है ना। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और मास भी तुमने बोला गिवन मास है, मतलब एन भी क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या बन गया, कांस्टेंट, क्या बन गया, तो पी वी इक्वल्स टू क्या आ गया, कांस्टेंट, तो पी इक्वल्स टू क्या हो गया, सी बाई वी। तो वही तो बॉयल्स लॉ था कि नहीं, हो गया, वेरी गुड। अब मैं अगर सेकेंड लॉ वेरीफाई कर लूँ, सेकेंड लॉ क्या है, चार्ल्स, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, और नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर कांस्टेंट, द नंबर ऑफ मोल्स वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, वही था ना, वी इज प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। अगर मैं तीसरा लॉ वेरीफाई करूँ कि लुजैक्स, तो क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम और एन, तो क्या आ गया, पी इज प्रोपोर्शनल टू टी, वेरी गुड, बराबर। और अगर मैं चौथा लॉ वेरीफाई करूँ, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और प्रेशर को कॉन्स्टेंट मान लिया, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू एन, तो चारों को कंबाइन कर लिया तो क्या बन गया, पी वी इज प्रोपोर्शनल टू एन टी। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे, कॉन्स्टेंट, और बस वही कॉन्स्टेंट को तुम बोलते हो गैस कॉन्स्टेंट या फिर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। और ये जो इक्वेशन बना इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको, तो ये बन गया तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसको आइडियल क्यों बोला है मैं बताता हूँ बाद में, अभी फिलहाल नहीं, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, राइट, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स। अभी जो एन है, एन नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला भी है, पता है आपको, मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, और एक है नहीं पता, एन अपॉन एन ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, अब बोला गया कहां से आ गया, अरे अभी तो मैंने बोला तुमको व्हाट इज वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स, तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर हो तो मोल्स कितना है, मेरे पास अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर है तो मोल्स कितना है, टू, थ्री टाइम्स है तो, एन टाइम्स है तो, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, एन अपॉन एन ए। तो ये जो एवोगैड्रो, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू हैव पी वी इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए आर टी, बराबर ना। स्मॉल एन के पे क्या लिख दिया मैंने, क्या लिखा, यहां लिखा एन अपॉन एन ए। आपको पता है ये आर अपॉन एन ए क्या होता है, आर अपॉन एन ए इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बट यूनिवर्सल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बी या फिर सिर्फ के। तो ये क्या बन जाएगा, पी वी इक्वल्स टू एन के बी टी, एन के बी टी, ये भी है आइडियल गैस इक्वेशन का दूसरा फॉर्म, है ना, पी वी इक्वल्स टू एन के बी टी। सिर्फ नोट्स में मैंने के बी को के लिखा है, तो पी वी इक्वल्स टू एन के टी, है ना, ऐसा है कि नहीं, अरे लिखा है ना ये एन के बी टी, शायद मैंने बी लिखा कि नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो तुम चेक कर, लिखा है तो बराबर है, ठीक है, एन के बी टी, कहीं कहीं पे नहीं भी लिखा होता है, तो इसलिए मैंने बोला ना कि ये गैस की बात हुई ना, तो के मतलब कौन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है, सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल
गैस कॉन्स्टेंट है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी कुछ नहीं। क्लियर यहाँ तक? पक्का? श्योर। अब बिफोर वी स्टडी गैसेस इन डिटेल, देर आर सम अजम्पशंस। तो अगला टॉपिक तुम देखोगे ना तो वो लिखा होगा अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये अजम्पशन मतलब क्या बताता हूँ, वो भी क्या होता है, ऐसा है कि नहीं? अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी गैसेस है ना। अब ये अजम्पशन मतलब क्या होता है, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अजम्पशन? अज्यूम करना मतलब क्या होता है उसका मतलब? कुछ चीज को मान लेना है ना। जैसे मैंने बोला, अभी तो बोला मैंने, अजम्पशन है कि तुम घर पे नहीं पढ़ते हो, मुझे क्या पता तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, मैंने अज्यूम किया। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डू नॉट टेक इट पर्सनली। ये याद रहते हैं जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ ना, तुमको याद रहने। अब प्रॉब्लम है कि हमको गैसेस के केस में अजम्पशन क्यों लेने हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, चलो मेरे पास ना ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला चलो डिस्क्राइब दिस ऑब्जेक्ट, तो डिस्क्राइब करो व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट? वाटर। वेरी गुड। तो यू कैन ऑल्सो से अरे इसका कलर ब्लैक है। यू कैन ऑल्सो से ये सिलेंडर जैसा दिखता है ना, बराबर? सही है ना। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस दैट यू कैन से बिकॉज यू कैन सी इट। तुम देख पा रहे हो इसलिए बोल पा रहे हो, है ना। गैस को देख पाते हो क्या? नहीं। तो गैसेस को जब हम देख ही नहीं पाते, अभी हमको पता है गैस क्या होता है, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं गैस के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गैस के प्रॉपर्टीज क्या है। लेकिन जब पहली बार किसी ने गैस का पढ़ाई चालू किया होगा, गैस तो दिखता नहीं है अपने को, तो कुछ तो अज्यूम किया होगा ना उसने, कुछ तो अज्यूम किया होगा। तो दो टाइप के अजम्पशंस बनाए गए तब जब गैस का स्टडी स्टार्ट हुआ। एक है नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो जो चीज दिखती नहीं है तो वहां पे कुछ अजम्पशंस लेके चलना पड़ता है कि ऐसा होगा वैसा होगा। हम भी बहुत अजम्पशन करते हैं, बहुत अजम्पशन करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो हमको पता ही नहीं है तो हम अजम्पशंस करते हैं। नंबर टू, सेकेंड अजम्पशन इज रिलेटेड टू रैंडम मोशन। तो दो कैटेगरी के अजम्पशंस है, एक है नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स का शेप क्या है, साइज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, होता है नेचर। तो पहला अजम्पशन, एनी गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। क्या बोला उसको? मॉलिक्यूल्स बोला है ना, ऐसे बोला है ना पहला अजम्पशन। अ गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। आप बोलोगे गैस मॉलिक्यूल ही होता है, ऐसा किसने बोला? हमारे पास तो एटॉमिक गैसेस भी होते हैं ना। व्हिच आर एटॉमिक गैसेस? नोबल गैस, अर्गन, हीलियम, है ना, नियॉन, ये सारे के सारे कण एटॉमिक। फिर इसको मॉलिक्यूल क्यों बोल रहा है? मैंने इसलिए बोला ये अभी पता है, तब थोड़ी पता था। तब तो हमको लगा था कि गैस मॉलिक्यूलर ही होता है, जैसे H2H मतलब H और H मिलके H2 बन गया, और मिलके O2 बन गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अमोनिया NH3 आ गया। तो गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स, बराबर? गैस दिखता है क्या? नहीं। तो बताओ गैस का शेप क्या है, मॉलिक्यूल का शेप क्या है? नहीं पता, तभी भी नहीं पता था, अब तो फिर भी बोल सकते हैं। तो दूसरा उन्होंने बोला कि मान लेते हैं ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, दे आर रिजिड स्फीयर्स ऑफ वेरी स्मॉल डायामीटर। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर रिजिड स्फीयर, दीज मॉलिक्यूल्स आर रिजिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड? रिजिड हार्ड, मतलब शेप जल्दी चेंज नहीं होता। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर रिजिड स्फीयर्स ऑफ वेरी स्मॉल डायामीटर।
देन अगर मेरे पास पांच मॉलिक्यूल है, पांचों के पांचों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारा उन पांचों मॉलिक्यूल का? शेप, साइज क्या होगा? सेम होगा। तो अगला असम्पशन वही आएगा, देखो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ, लिखा है ना, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड मास। ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस, ऑफ द सेम गैस आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड मास। गुड। तो नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल में तीन ही असम्पशन है कि और भी है? और है, क्या है? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द गैस। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा एग्जांपल है, व्हेन यू थिंक, जो तुमने जो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया वहीं से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज कनेक्ट तो अल्टीमेटली तुमको फिजिक्स और रियल लाइफ से करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंटेनर है, सिलेंडर है, इसमें मैंने गैस भर दिया, इसमें मैंने क्या भर दिया? गैस। गैस मान लेता हूं इस कंटेनर का वॉल्यूम है 1 लीटर। कितना है? 1 लीटर। लीटर इज वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर? 1 लीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस? 1 लीटर। पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? देख के बताओ क्यों नहीं होता? मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। दो मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि गैसेस में होता ही है, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज। मतलब इन रियलिटी जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस है, इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वही तो लिखा है, वही लिखा है ना? क्या लिखा है? द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द गैस। सो द एक्चुअल वॉल्यूम, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू वॉट? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ऑफकोर्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द गैस, हाँ भाई को पता है कि वो कंटेनर ने ही गैस को कंटेन करके रखा है, तो मैं लिखने नहीं वाला। देन सेकेंड पार्ट, तो अजम्पशन दो टाइप के हैं, पहला था नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, दूसरा है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आप सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी, तो आपको बोला चलो, तो क्या होगा? इधर चला मैं, उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला? मतलब कोई भी कहाँ पे किसी भी स्पीड से जा रहा है, इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं इसको? तो गैस के मॉलिक्यूल्स भी, दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। इसका मतलब दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल द पॉसिबल स्पीड्स, मतलब वेलोसिटीज। देखो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है ऐसा, देखा क्या? तो मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। The molecules of gas are always in a state of random motion. तो random motion मतलब कोई भी molecule कहीं पे भी जा रहा है किसी भी speed के साथ, तो कोई proper order नहीं है, discipline नहीं है, इसको बोलते हैं random motion। बराबर, करेक्ट। अब पहली बात तो मोशन होना ही क्यों चाहिए? ऐसा है कि गैस, तुमने गैस एक कंटेनर में भर के रख दिया, वो कंटेनर कहाँ रखा? सराउंडिंग में। सराउंडिंग में क्या है? हीट है। हीट क्या है? एनर्जी है। और हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हायर टेम्परेचर से। तो मान लेते हैं कि गैस का टेम्परेचर कम था, सराउंडिंग का ज़्यादा था,
तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हुआ? सराउंडिंग से गैस में, लेकिन हीट तो एनर्जी है, एनर्जी का नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, तो गया कहाँ? मॉलिक्यूल्स ने ले लिया, मॉलिक्यूल्स ने ले लिया तो क्या किया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और इस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वी, मतलब वो एनर्जी लेके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं, राइट, एंड बट दे आर मूविंग रैंडमली। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, दैट इज दे आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल स्पीड्स। नंबर टू, नंबर टू क्या होगा, इमेजिन मॉलिक्यूल्स मूव होते होते, आप आपको इस रूम में मैंने पट्टी, आंखों पे पट्टी बांध के बोला चलो, तो इमेजिन करो क्या होगा, क्या होगा? अरे कुछ तो होगा ना, टक्कर होगा, टक्कर किसका, आपस में या फिर दीवार के साथ। वही गैस मॉलिक्यूल के साथ भी होता है, ड्यू टू रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ड्यू टू रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस कोलाइड किसके साथ, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ईच अदर एंड एंड विद द एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, विद द वॉल्स ऑफ कॉल्स लिख दिया मैंने तो, विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। हाँ, अब इसके आगे ऐसा लिखा होगा सच कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ये गलत लिखा है, गलत मतलब आधी सच्चाई है, हाफ ट्रुथ। तो इसके तुमको पता होना चाहिए कि पहले तो कोलिजन कितने टाइप के हैं, इलेवन सीखा था ना बचपन में, देखा था इलेवन में, देखा था कौन से दो टाइप कोलिजन थे, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुमने बताया क्या था, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कब होगा, जब वी चेंज होगा। तो जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं, तो वो कोलिजन होता है इनइलास्टिक, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपना एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए तो स्पीड चेंज होता है फिर। तो व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल सच कोलिजन्स आर इनइलास्टिक, लेकिन जब मॉलिक्यूल वॉल्स के साथ कोलाइड होगा तो सच कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। क्योंकि मॉलिक्यूल अगर देखो, वापस वापस से थोड़ा फोकस करो, कॉन्सेप्ट ना बहुत इजी है, सिर्फ तुम जिस तरह से सोचते हो दैट मेक्स इट डिफिकल्ट, तो इजी करेंगे। ऐसा मान लेते हैं आप क्लास में जितने भी लोग हो सबके पास कुछ ना कुछ पैसा है थोड़ा बहुत, फिर आप एक दूसरे को दे रहे हो, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन दिस क्लास, कॉन्स्टेंट। तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, एनर्जी है, कौन सा, काइनेटिक, टक्कर करके कोलाइड करके एक दूसरे को चेंज दे देते हैं, तू रख ले, फिर दूसरा तीसरे को कोलाइड करता है, हाँ ठीक है तू रख ले, हाँ लेकिन बाहर मत भेजना। तो तुमने पैसा बाहर दिया नहीं, तो व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी, कॉन्स्टेंट। सेम इज हैपनिंग इनसाइड अ गैस, द कोलिजन्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स मे बी दे आर इनइलास्टिक, मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी और स्पीड का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जब वो वॉल से कोलाइड करेंगे तो नहीं होगा। तो आगे जो स्टेटमेंट लिखते हैं ना, सच कोलिजन्स आर परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक लिखा है ना, वो लिखा हुआ है फॉर कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स। तो गैस मॉलिक्यूल से वॉल में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, आपस में कर सकते हैं क्या, यस। तो अभी मैं यहाँ लिख नहीं रहा, दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, हो गया। अब इमेजिन हमारे पास गैस था, ये गैस है, ये गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं,
और ये सारे कैसे मूव हो रहे हैं, रैंडमली, राइट, बराबर। एक मॉलिक्यूल आया, इधर आया, कोलाइड किया, कोलाइड करके डायरेक्शन चेंज हुआ, इधर गया, कोलाइड किया, राइट, बराबर। फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ आया, वापस कोलिजन हुआ, फिर यहाँ आया, फिर कोलिजन हो गया, फिर यहाँ आया, कोलिजन हो गया। व्हाट डू यू सी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्या हो रहा है? देखो लिखा है ना, उसमें क्या लिखा है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अ मॉलिक्यूल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं होगा जब तक क्या नहीं हो, कोलिजन, और मॉलिक्यूल विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ, फ्री पाथ, मतलब इतने पाथ में मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करने वाला है, राइट। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अ मॉलिक्यूल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स अ मॉलिक्यूल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी तब चेंज होगा जब क्या हो, कोलिजन हो। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन मॉलिक्यूल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। दिस इज नोन एज फ्री पाथ। बट पक्का, श्योर, 100%। देन उसके बाद एक बात बताओ, ये जो फ्री पाथ है, फ्री पाथ को कवर करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा कि कोलिजन का टाइम ज्यादा होगा? कोलिजन का टाइम कम होगा, क्योंकि कोलिजन इज फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। आया, कोलाइड किया, फिर गया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द टाइम टेकन फॉर कोलिजन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टाइम टेकन टू कवर फ्री पाथ, राइट। तो द टाइम अरे अभी तो बताया मैंने, द टाइम टेकन फॉर कोलिजन, द टाइम टेकन फॉर कोलिजन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू टाइम रिक्वायर्ड टू कवर फ्री पाथ। तो ये टोटल 8 अजम्पशंस पे आपका पूरा काइनेटिक थ्योरी बेस्ड है। तो अब तक सो फार आज हमने काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट करके पहले 4 गैस लॉ देखे, मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजैक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, उन सबको कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन बना लिया, PV=nRT, उसी का दूसरा फॉर्म है PV=NKBT, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, KB इज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, स्मॉल एन वॉज नंबर ऑफ मोल्स एंड आर वॉज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। और ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये टोटल 8 अजम्पशंस पे बेस्ड है, 4 आएंगे आपके नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और 4 आएंगे आपके रैंडम मोशन से। सबसे पहले एनी गैस, अ गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, नोन एज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर रिजिड स्पीयर्स, बराबर ना, ऑफ वेरी स्मॉल डायामीटर। उसके बाद ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस मतलब ऑफ सेम गैस हैज आइडेंटिकल साइज, शेप एंड मास, तो दे आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड मास। नंबर 4, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। और रैंडम मोशन में 4 अजम्पशंस थे, कौन से? नंबर 1, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, दैट इज द
गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज. नंबर टू, हाँ सुनाई नहीं दे रहा मेरे को. हाँ, ड्यू टू रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. सच कोलिजन आर कंसिडर टू बी परफेक्टली इलास्टिक. लेकिन ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तब होता है जब मॉलिक्यूल का किसके साथ कोलिजन हो, वॉल. मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जब कोलाइड करेंगे तो वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं. याद रखना, ओ टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट. टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने बोला ना कि तुमने पैसा इसको दे दिया तो पूरे रूम में टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज सेम. एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को दे दिया एनर्जी, क्योंकि उसके देने के लिए पैसा तो नहीं, एनर्जी देगा ना, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉन्स्टेंट. उसके बाद तीसरा नंबर, बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन अ मॉलिक्यूल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एज फ्री पाथ. नंबर फोर, द टाइम टेकन फॉर कोलिजन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल टू कवर फ्री पाथ. बराबर यहाँ तक पक्का 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 श्योर श्योर. अभी अगला टॉपिक है मीन फ्री पाथ, मीन वेलोसिटी. ओके, तो हमारा आज हो जाएगा, देख लेते हैं मीन फ्री पाथ. टाइम है, हो जाएगा कवर. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगला, मीन फ्री पाथ क्या है. मीन, व्हाट डू मीन बाय मीन? मीन मतलब एवरेज. तो अगला कॉन्सेप्ट है मीन फ्री पाथ. अब ये मीन फ्री पाथ होता क्या है पहले समझ लो. लुक, यहां ध्यान दोगे तो समझेगा. सपोज मॉलिक्यूल पहला कोलिजन करके आया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ये फ्री पाथ है. अब उसका सेकेंड कोलिजन हो गया और सेकेंड और थर्ड के बीच में कुछ ज्यादा डिस्टेंस कवर हो गया, तो ये दूसरा फ्री पाथ है. अरे फिर तीसरा कोलिजन जल्दी से हो गया, चौथा फ्री पाथ है. फिर पांचवा कोलिजन हुआ, ये पांचवा फ्री पाथ है. फिर उसके और कोलिजन हो गया, फिर और कोलिजन हो गया, चलता जा रहा है. तो पहले कोलिजन में जो पाथ कवर किया था उसको लैम्डा वन बोल दिए, दूसरे में लैम्डा टू बोल दिए, तीसरे में लैम्डा थ्री बोल दिया, उसमें लैम्डा फोर, लैम्डा फाइव एंड लैम्डा सिक्स. मतलब बेसिकली किसी भी दो सक्सेसिव कोलिजन में जो डिस्टेंस मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है वो सेम नहीं है, सेम हो भी नहीं सकता है, रैंडम मोशन है ना. रैंडम मोशन में यू कैन नॉट से कि हर बार इतने डिस्टेंस के बाद ही कोलिजन होगा. तो फ्री पाथ सेम है क्या? नहीं है, राइट. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मीन फ्री पाथ डिफाइन करते थे. मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन? एवरेज. तो मीन फ्री पाथ कैसे करोगे? लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री लैम्डा एन डिवाइड बाय एन. मेरे एन इज नंबर ऑफ कोलिजन्स. नंबर ऑफ फ्री पाथ मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स. और इसको डिनोट करने के लिए लैम्डा बार या फिर लैम्डा एम ऐसा लिखते हैं. गुड. अभी नोटेशन बुक टू बुक चेंज होता है, कहीं पे सिर्फ लैम्डा भी लिखते हैं, कहीं पे लैम्डा बार भी लिखते हैं. यहाँ पे बार मतलब वेक्टर नहीं है, इट इज मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू. बराबर. तो व्हाट इज मीन फ्री पाथ? लेट लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री अप टू लैम्डा एन. अच्छा, अभी एक छोटा प्रॉब्लम ये भी हो जाता है, स्मॉल एन तुमने किसके लिए रिजर्व करके रखा है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स. तो स्मॉल एन नहीं लिखना, क्या लिखोगे? कैपिटल एन. तो लेट लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री अप टू लैम्डा एन विद अ फ्री पाथ ऑफ ऑफ अ मॉलिक्यूल. अ मतलब क्या? सिंगल मॉलिक्यूल. तो ये एक ही मॉलिक्यूल का पाथ की बात हो रही है यहाँ पे. तो एक मॉलिक्यूल ने कोलिजन्स के बीच में सेम पाथ कवर नहीं किया. पहले दो कोलिजन के बीच में लैम्डा वन, दूसरे के दो के बीच में लैम्डा टू, फिर लैम्डा थ्री, फिर लैम्डा फोर, फिर लैम्डा फाइव, लैम्डा सिक्स. इन सब का तुमने क्या कर लिया? मीन. उसको क्या बोल दिया? मीन फ्री पाथ. क्या बोल दिया उसको? मीन फ्री पाथ. तो ये मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला है. मीन फ्री पाथ का दूसरा फॉर्मूला भी है, लैम्डा इक्वल्स टू वन अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर स्मॉल एन, वेयर डी इज डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल. डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल और स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी पता है क्या होता है? नंबर पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर पर यूनिट वॉल्यूम. बराबर याद रहेगा, व्हाट इज स्मॉल एन? नंबर पर यूनिट वॉल्यूम. तो मीन फ्री पाथ का और एक फॉर्मूला है वन अपॉन रूट टू पाई. पाई की और सबको पता होती है. और व्हाट इज डी? डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल. और व्हाट इज एन? नंबर डेंसिटी. तो मीन फ्री पाथ किसको किसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है?
डायमीटर के स्क्वायर को और नंबर नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, इसको नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आप में से कितने लोगों का ऐसा होता है कि अभी तो सब याद आ रहा है लेकिन एग्जाम में याद ही नहीं रहता फॉर्मूला? मतलब इतना तो याद रहेगा कि हाँ लैम्डा जो है ना वो एन पे डिपेंड करता है, लेकिन पावर याद नहीं, न्यूमरेटर है कि वो याद नहीं। लॉजिक लगाओ, नंबर डेंसिटी मतलब कितने मॉलिक्यूल्स है एक यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल थे। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अच्छे से याद रहेगा। तुम हो मॉलिक्यूल्स, तुम्हारा नंबर डेंसिटी है कम क्योंकि तुम कम हो। अब तुमको बोला कि चलो पट्टी आंखों पे बांधो और घूमो, तो तुम दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस कवर करोगे उसको क्या बोलोगे? मीन फ्री पाथ, बराबर। अब इमेजिन मैंने 40 और लाके डाल दिए, अब बताओ तुम्हारा मीन फ्री पाथ कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। मैंने अगर नंबर बढ़ा दिया, नंबर डेंसिटी बढ़ा दी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स लाए, ज्यादा लोग लाके खड़े कर दिए, अब फटाफट कोलिजन हो गए ना, जल्दी जल्दी मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पे कोलिजन होगा, तो तुम्हारा फ्री पाथ कम हुआ कि बढ़ गया? कम हुआ, बराबर। तो मीन फ्री पाथ और नंबर डेंसिटी का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है ना, इनवर्स याद रहेगा। अब इमेजिन मेरे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स थे, तो स्पेस भी उसने छोटा ऑक्यूपाई किया और वो घूम रहे हैं, तो कोलिजन कम होंगे। अब मैंने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लाए, अब बताओ कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे कि बहुत टाइम से होंगे? साइज बढ़ गया ना, साइज बढ़ गया तो टक्कर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। हाँ लड़कों को तो पता ही होगा, बचपन में हम सब मार्बल से खेलते थे, अभी भी शायद खेलते होंगे, नॉट अ बैड थिंग बाय द वे, राइट। उसमें अगर छोटे मार्बल थे, तुम किसी को निशाना मारने की कोशिश कर रहे हो छोटे मार्बल से, जल्दी लगता है क्या? लेकिन बड़ा लिया तो बड़ा पड़े हुए तो आते हैं ना उसमें, ऐसा देख रहे हो। कभी खेला नहीं किसी मोबाइल पे गेम खेलेंगे आप? योर लाइफ इज अ वेस्ट। तो अगर मॉलिक्यूल्स बड़े हो तो कोलिजन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन बड़ा है ना अब, बराबर। तो डायमीटर बढ़ गया तो फ्री पाथ बढ़ेगा कैसे? कम होगा ना, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा ना, तो फिर फ्री पाथ क्या हो गया? तो रिलेशन कैसा है? इनवर्स है, डी स्क्वायर और एन डिनोमिनेटर में है, हो गया गुड। तो बाकी का अभी कल देखते हैं।